इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा दिख रहा है। अब ये गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। जुमे की नमाज के बाद नवादा के अधिकांश मस्जिदों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बात नवादा की करें तो जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। मस्जिद में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नुपुर शर्मा नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध जताया। बीते दिनों पैगंबर मोहम्मद पर उनके विवादास्पद बयान के बाद से ही यह बवाल बढ़ता ही जा रहा है। देश विदेश में इस बयान की निंदा की गई। इसी के चलते बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। वहीं सदर डीएसपी उपेंद्र प्रसाद के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि लोग जुलूस ना निकाले, उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है और शहर के मुस्लिम रोड तक जुलूस की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड पार करते नवादा में अचानक एक बड़ी तादाद में मुसलमान भाइयों ने नुपुर शर्मा के विरोध में नारेबाजी करते हुए रोड पर उतर आए और प्रशासन लगातार मना कर रही थी, उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं आज आरा में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने नुपुर शर्मा को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और नुपुर शर्मा पर रासुका लगाने की मांग की है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।